स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों हम बात कर रहे थे साइंस का परमाणु संरचना के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने उस चीज को सीखा था। अगर वो वीडियो आपको अभी तक मिला नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिलेगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम उसके आगे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। तो देखिएगा, पदार्थ की अवस्थाओं की हम बात करेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, यहां तक बात क्लियर हो। देखिएगा पदार्थ क्या होता, सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ होता क्या है, ठीक। अब हम एग्जाम्पल की सबसे पहले बात करें, एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है वो सब कुछ पदार्थ है। गैस जो भी दिखाई दे रही है वो भी पदार्थ है, जल दिखाई दे रहा है वो भी पदार्थ है, कोई लकड़ी की चीज, कोई लोहे की चीज, या हमें जो मकान की से जो बनाने के लिए जो ईंट यूज करते हैं वो भी एक पदार्थ का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें पदार्थ के अंदर आती है। इतनी बात कन्फर्म हो गई। पदार्थ की डेफिनेशन हम लोग कैसे लाएंगे, पदार्थ की डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। देखिएगा, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो क्या करती है, स्थान घेरती है। भाई हम अगर मेज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखेंगे तो क्या हमें जगह की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल होगी, स्थान घेरेगा। और जो चीज स्थान घेरेगी वो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। देखिएगा मेज जो होती है, टेबल जो होती है, उसमें वेट भी होता है, वजन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो याद रखिएगा, ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे पदार्थ कहलाएगी। क्या होगा, स्थान घेरेगी और क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान होगा, तो वो क्या कहलाएगी, स्थान होगा, स्थान घेरेगी और द्रव्यमान होगा, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी या वो चीजें क्या कहलाएंगी, पदार्थ कहलाएंगी। पदार्थ में देखिए किस क्या आ सकता है, हमने बात किया पानी यानी कि जो जल होता है, गैस आ जाएगी, ठीक, और लकड़ी आ जाएगी और लोहा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें, यानी संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिसे देख सकते हैं, वो सभी लगभग द्रव्यमान की कैटेगरी, पदार्थ की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यहां तक बात कन्फर्म हो गई। अब देखिए, जैसे हमने क्या किया, हमने बर्फ को ले लिया, ठीक है, समझिएगा। यहां बर्फ हम लेकर आते हैं और उसको जैसे रख देते हैं तो क्या होगा, बर्फ थोड़ी देर बाद पिघल जाएगा और जल बन जाएगा, ठीक। और जल को क्या कर दे, अगर हम बॉइल कर दे तो थोड़ी देर बाद वो भाप बनकर पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमने यहां पर कई चीजें देखी। देखिए, पहले हम बर्फ लेकर आए हाथ में ऐसे उठाकर, और जब जल बन गया तो हमने उसको किसी पात्र में भरा। अब जब वो गैस बन गई तो अपने आप उड़ गया। बात यहां तक कन्फर्म है। तो जो हमने क्या किया, बर्फ जब हम लाए तो हमने हाथ में पकड़ लिया था उसको, ठीक, और जब हमें जल बन गया तो हमने उसके किसी बर्तन में भरा। यानी कि ये एक ही चीज की तीन अलग अलग चीजें हैं। अब हम जल क्या क्या करें, जल को हम फ्रिज में रख दें तो वो बर्फ में भी बदल जाता है, होता है। तो क्या है, जल बर्फ बन रहा है और जल से क्या बन रहा है, गैस भी बन रही है। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। जल ही है, मतलब बर्फ है वो है जल, लेकिन उसकी अवस्था बदल गई, उसकी क्या हो गई, अवस्था बदल गई। नहीं, बात समझ गए। जैसे एक व्यक्ति है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक, और चार दिन बाद वो क्या बन जाए, वो बन जाए एक सिपाही बन जाए, ठीक है, वो सिपाही बन जाए। फिर उसका क्या होगा, फिर वो उसका रिएक्शन देखिएगा। फिर जब वो सिपाही बन जाएगा तब वो वर्दी पहन लेगा, तब आपको उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन जब वो घर आएगा तो घर में आते समय क्या उसके घर वाले उसको सिपाही समझेंगे, नहीं, क्योंकि घर वालों के लिए आज भी वो वही है। इसी प्रकार से जो जल है वो जल जल ही रहेगा, चाहे उसको आप बर्फ में बदल दीजिए, चाहे उसको गर्म करके
भाप में बदल दीजिए। बात यहाँ समझ में आई, बर्फ की ही अलग अलग अवस्थाएं, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्त्री के अलग अलग रूप होते हैं, पुरुष के अलग अलग रूप होते हैं, मतलब पुरुष अपने जीवन में बहुत सारे किरदार को अदा करता है, उसी तरह से महिला भी क्या करती है, अपने जीवन में बहुत सारे किरदार अदा करती है। जैसे एक माँ का किरदार होता है, एक पत्नी का किरदार होता है, एक माँ का किरदार होता है, ठीक है, तो ये सारे किरदार हैं, लेकिन वो स्त्री एक स्त्री ही रहती है। इसी प्रकार से पुरुष एक पुरुष ही रहता है। सेम इसी तरह से इसमें भी क्या है, पदार्थ जो है, जल जो है वो जल ही है, लेकिन उसकी अवस्थाएं बदल गई हैं, तो यही कहलाती हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, तो पदार्थ की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो देखिएगा कितने प्रकार की पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं। अब आप कहेंगे वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, जब बर्फ लेकर आए तो वो कैसा था, हमने हाथ में पकड़ लिया, लकड़ी को हाथ में पकड़ लोगे, लोहे को हाथ पकड़ लोगे। ठीक, अब देखो बचपन में क्या है, कहते थे कि लोहे से किसी के सिर पे मार देते थे गलती से, तो कहते थे किसी ठोस चीज से मार दिया, ठोस चीज से मार दिया तो वो क्या है, ठोस है। ठीक, तो पदार्थ की सबसे पहली अवस्था क्या होगी, ठोस होगी। बात यहां पर समझिएगा, सबसे पहली अवस्था क्या होगी, ठोस होगी। दूसरा, दूसरी को कैसी, बर्फ को जब लेकर आए जो पिघल गई कैसी हो गई, द्रव हो गई। कैसी हो गई, द्रव हो गई, याद रखिएगा। और द्रव एक शब्द और होता है, यहां देखिएगा, द्रव्य एक होता है, द्रव्य शब्द और एक होता है द्रव, इसका मतलब होता है लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिक्विड। ठीक, और इस द्रव्य का मतलब होता है मैटर, यानी इसका मतलब पदार्थ है और इसका मतलब कोई लिक्विड है, जैसे तेल है या दूध है या जल है, ये लिक्विड है। ठीक, ठोस को क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। द्रव को क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। और थर्ड अवस्था क्या हुई, जब हमने पानी को बॉईल किया तो क्या हो गया, इसमें से भाप निकली और इसको हमने क्या कहा, गैस अवस्था कहा। क्या कहा, गैस अवस्था कहा, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। यहां तक बात कंफर्म हो गई होगी मेरे प्यारे भाई। तीन अवस्थाएं ये सामान्य हैं, हमने इनको खूब देखा है और हम अपने जीवन में इनको खूब ऑब्जर्व भी करते हैं। इसके अलावा भी दो अवस्थाएं और होती हैं, लेकिन ये किसी विशेष परिस्थितियों में होती हैं, किसी विशेष परिस्थितियों में होती हैं। और वो दो अवस्थाएं कौन सी होती हैं, एक अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, कौन सी, प्लाज्मा अवस्था, और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बताइएगा। ये तो अवस्थाएं हम लोगों ने नहीं देखी, आज हम इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ठोस अवस्था के डिस्कस करेंगे, फिर द्रव अवस्था का और फिर गैस अवस्था का। आज के वीडियो में हम केवल इन दो अवस्थाओं के बाद इन तीन अवस्थाओं के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। तो आगे देखिएगा, ठोस, द्रव और गैस अवस्था की हम बात करते हैं। दो अवस्थाएं ये विशेष परिस्थितियों में होती हैं, तो सामान्यता इन तीन को देखा जाता है, इन्हीं तीन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो द्रव की जो हमें तीन अवस्थाएं पढ़नी हैं, उन तीन अवस्थाओं में से सबसे पहली अवस्था की हम बात करते हैं, ठोस अवस्था। तो देखिएगा ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था होती है जैसे बर्फ है या फिर लोहा है या लकड़ी है, अगर इस चीज से किसी के ऊपर वार कर दिया जाए तो क्या कहते हैं, किसी ठोस चीज से वार किया गया है, ऐसे सुना होगा आपने। तो ये ठोस चीजें होती हैं, यानी कि ठोस का मतलब, जैसे आपने कोई लोहे का टुकड़ा लिया
और उसको कहीं रख दो तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, जैसा उसका आकार है वैसा ही बना रहेगा। यानी कि ठोस का क्या निश्चित होता है, आकार फिक्स होता है। आकार क्या होता है, निश्चित होता है। मान लीजिए केल कील है लोहे की, तो कील जिस आकार की है उसका वही आकार बना रहेगा, चाहे आप उसको टेबल के ऊपर रखें, चाहे उसको आप फर्श के ऊपर रखें, और चाहे आप उसको छत के ऊपर रख दें, उसका आकार सेम बना रहेगा। तो आकार क्या रहता है, फिक्स रहता है, किसमें, ठोस में। दूसरी बात, कील अगर किसने की है, एक इतनी बड़ी कील है जिसको आप एक उंगली से पकड़ सकते हैं, ठीक, तो वो उतनी ही बड़ी रहेगी, ठीक है, जहां पर उसको रख सकते हो जितनी है उतनी ही रहेगी, मतलब उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, उससे ज्यादा वो स्थान नहीं घेरेगी। इसका मतलब क्या है, आयतन भी क्या रहता है, नियत रहता है, आयतन भी नियत रहता है। तो आकार और आयतन क्या रहते हैं, ठोस के नियत रहते हैं, नियत रहते हैं, मतलब फिक्स रहते हैं, क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। इतनी बात समझ में आई, आकार और आयतन ठोस का क्या रहता है, फिक्स रहता है, निर्धारित रहता है, नियत रहता है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब बात क्या होती है कि भाई आयतन क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि उसका आकार निश्चित रहता है और आयतन निश्चित रहता है, ऐसा क्यों, ये आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने आपसे क्या बताया, पदार्थ किससे मिलकर बना, अणुओं से, किससे, अणु से मिला मिलकर बना है। तो कोई भी ठोस पदार्थ हमने ले लिया, मान लेते हैं हमने ये लोहे का टुकड़ा ले लिया, ठीक, लोहे का टुकड़ा ले लिया, अब ये जहां रखा है वहीं रखा रहेगा, जहां पर रखा है वहीं पर रखा रहेगा, यानी आकार इसका और आयतन दोनों निश्चित होंगे। तो इसमें क्या है, इसके जो अणु होंगे वो इधर उधर घूमेंगे नहीं, अणु नहीं घूमेंगे। अब आप सोचिएगा, आप सोचिए क्यों नहीं घूमेंगे, देखिए क्यों नहीं घूमेंगे, इसका रीजन ये है कि अणु को घूमने की जगह नहीं मिल रही, अणु को घूमने की जगह मिल ही नहीं रही है, तो कैसे घूमेगा, तो एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर उसको जगह मिल जाए तो क्या करेगा, वो इधर उधर भागने लगेगा। तो देखिएगा, जगह क्यों नहीं मिल रही है, बाकी जगह पर क्या, बाकी जगह पर भी अणु ही बैठे हैं। अब देखिए, सोचिएगा, ये एक अणु है और एक ये इसके बिल्कुल सटा हुआ बैठा है, इसके पड़ोस में एक सटा हुआ, दूसरा यहाँ पे सटा हुआ, एक इस तरीके से, ये इस तरीके से इसके अणु है, किसके, ठोस के। अगर ठोस के अणु इस तरीके से बैठे हैं तो क्या गति कर पाएंगे, कर पाएंगे, चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझिएगा, आप लोग बस में यात्रा करते हैं या ट्रेन में यात्रा करते हैं या ऑटो से यात्रा करते हैं, तो जब आप यात्रा कर रहे होते हैं बस में, अब सोचिए बस में इतनी ज्यादा भीड़ हो या ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ हो कि आपको उस ट्रेन में चढ़ना ही मुश्किल हो, और आप जैसे तैसे चढ़ गए, चढ़ने के बाद में आपको देखने को मिलता है कि हर जगह व्यक्ति एकदम खड़ा है, बैठा है, बिल्कुल भी हिलने डुलने की जगह नहीं है, ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, एकदम खचाखच भरी हुई है ट्रेन, हिलडुल नहीं रहा। तो क्या होता है, जो व्यक्ति जहां खड़ा चुपचाप वहीं खड़ा रहता है, कहता हिलने डुलने की जगह नहीं है, कहते पैर रखने की जगह नहीं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल हिल नहीं सकता। तो उसी तरह से इसके अणु भी एक दूसरे से एकदम सटे हुए रहते हैं, एकदम एकदम आप पास पास रहते हैं, यानी वो कहीं भी हिलडुल नहीं सकते, और जब हिलडुल नहीं सकते तो अपने आकार को क्या बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। तो आकार क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। आकार कैसा हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और आयतन भी निश्चित हो जाएगा। अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि ठोस का आयकर आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो बहुत अधिक पास पास होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत अधिक पास पास होते हैं, और इसीलिए इसका आयतन और आकृति दोनों कैसे होते हैं, नियत होते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई, नहीं हुई, ठीक है, चलिएगा आगे हम बात करते हैं। दूसरा इसका क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा द्रव। देखिए, हम लोगों ने द्रव और द्रव्य में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने आपको डिफरेंस बताया द्रव और द्रव्य में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा यहां पर,
जो द्रव है ये क्या है? द्रव का मतलब जैसे पानी को एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, द्रव है तो इसमें क्या है? आपने क्या किया भाई, हमने अगर ग्लास में एक पानी ले लिया तो वो ग्लास के आकार का हो गया, उसी पानी को अगर आप थाली में डाल दोगे तो वो थाली के आकार का हो जाएगा, अगर उसी को आप किसी कटोरी में रख लो तो कटोरी के आकार, तो उसमें आकार क्या हो रहा, बदल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा मेरे भाइयों, द्रव का आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। कैसा? अनिश्चित। बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई, एक चीज बताइएगा। अनिश्चित क्यों? क्योंकि इसमें आकार बदल रहा है, जहां पर जाएगा वैसा ही आकार कर लेगा, ठीक, जहां जाएगा वैसा ही आकार ले लेगा, जैसा देश वैसा भेष बना लेगा। उसके बाद देखिए, आपने एक गिलास पानी लिया, क्या वो एक गिलास से आधा गिलास रह जाएगा? क्या एक गिलास से दो गिलास बन जाएगा? नहीं बन सकता, एक गिलास से एक ही गिलास भरेगा, ठीक है। यानी आपने अगर 50 ml पानी लिया या 150 ml पानी लिया तो उतना ही रहेगा, नहीं बट ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे क्या है, इसका जो आयतन है वो नियत रहता है। क्या रहता है? आयतन जो है नियत रहता है। आयतन कैसा? निश्चित रहता है या फिर नियत रहता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आयतन कैसा रहता है? निश्चित रहता है। अब क्यों क्यों ऐसा क्यों है, एक चीज और समझिएगा। आयतन निश्चित कैसे? अगर आयतन निश्चित ना होता तो सोचिए, आपके घर में 1 लीटर दूध दे के जाता दूध यार, है ना, तो 4 लीटर हो जाता अगर आयतन निश्चित ना होता, या फिर 1 लीटर दे के जाता आधा लीटर रह जाता, क्या ऐसा होता है? नहीं, अगर वो 1 लीटर दे के गया तो 1 ही लीटर रहता है, ठीक। तो यहां से क्या पता लगता है कि जो द्रव होते हैं उसका आयतन निश्चित है, आयतन निश्चित है, लेकिन आकार अनिश्चित है। आकार कैसा? अनिश्चित है। सोचिए, अगर कभी द्रव का ऐसा होता कि आकार भी निश्चित होता तो सोचिए कैसा होता, कि अगर आपके घर में दूधिया दूध देने आ रहा है, ठीक, अब वो कंटेनर में लेके आ रहा तो कंटेनर जैसा ही आकार होता, उस कंटेनर को ही आपको अपने घर रखना पड़ता, तो कितने कंटेनर वो लेके आता, सोचिएगा। चलिए, द्रव का क्या है, आकार निश्चित क्यों, आकार अनिश्चित होता है क्यों होता है, और आयतन निश्चित क्यों होता है? तो देखिएगा, द्रव में भी क्या होंगे? अणु होंगे। क्या होंगे? अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और ठोस की अपेक्षा दूर दूर होने के कारण क्या होता है, ये गति कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं। अब आपको एक ऐसी ट्रेन मिलती है जिसमें है लोग लेकिन कम मात्रा में है, मतलब सीटों पर बैठे हुए हैं और वो भी आराम से बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी सीट को चेंज करते रहते हैं, कभी इधर टहलेंगे कभी उधर टहलेंगे, ऐसा होता है। तो ऐसा ही इसके साथ है कि इसके अणु जो हैं कैसे हैं, थोड़ा सा उनको जगह मिल रही है तो वो हिलडुल रहे हैं और चल फिर सकते हैं। ठोस में कैसे थे, चल नहीं सकते थे, बैठे थे जहां पर वो बैठे थे, मतलब उनका जो गति थी वो जीरो थी। ठोस के अणुओं की गति कैसी थी? जीरो थी। लेकिन इसके अणुओं की गति जीरो नहीं है, बात समझ में आई? द्रव के अणुओं की गति जीरो नहीं है, वो चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, ठीक। और गति करने के कारण क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, जहां जाते हैं वो उसी के तरह हो जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं चल सकते कि पूरे में फैल जाए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं चल सकते कि पूरे में फैल जाए, इसलिए आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। बात यहां तक समझ में आई? द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मतलब गति, ठीक, वो ठोस से क्या रहती है, ठोस से ज्यादा रहती है। द्रवों में गतिज ऊर्जा जो होती है द्रवों के जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा ठोस से ज्यादा रहती है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब देखिएगा गैस के लिए, गैस जैसे हमारे घर में एलपीजी आती है भाई, क्या आती है, एलपीजी आती है, ठीक है। तो एलपीजी गैस में क्या होता है, जैसे मान लो अब गैस सिलेंडर में भर के आती है, गुब्बारे में भी गैस भरी होती है कि नहीं होती है,
कभी कभी आपने देखा होगा बॉटल्स फट जाती हैं, तो बॉटल में भी गैस भर जाती है, होता है नहीं होता है? अगर आपने क्या किया, बॉटल में पानी भर दिया, इस बॉटल में पानी भर दीजिए और इस पानी को गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए, तो ये बॉटल अपने आप अपना शेप बदल लेगी और ये बहुत टाइट हो जाएगी। तो उसमें क्या है, इसमें गैस बन गई। अब सोचिए कि जरा, हमने पानी तो यार इतना ही भरा था, ठीक इस समय ये चल रही है ना, लेकिन जब इसको गर्म पानी में डालते हैं तो इसका साइज भी चेंज हो जाता है और बहुत टाइट भी हो जाती है, ऐसा क्या रीजन है? तो देखिए, इस समय आपको इस बोतल में थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा, बाकी बोतल कैसी है, खाली। खाली नहीं है, इस बोतल में पूरा भर, सब कुछ भरा है, कोई भी चीज खाली नहीं है संसार में, ध्यान रखिएगा। इस बोतल में पानी इतना है लेकिन वायु इतनी है, सोचिएगा, वायु इतनी है लेकिन पानी इतना है, तो इसका मतलब यहां पर गैस है। क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ठीक है। जहां पर भी खाली जगह दिखती है, आपको लगता है ये खाली है, तो कभी मत अब कहिएगा खाली है, वो क्या है, उसमें गैस भरी है, उसके अंदर गैस है, कोई भी गैस हो सकती है, वायु हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, ठीक, CO2 गैस हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, कोई चीज खाली नहीं होती है, याद रखिएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई, तो वायु इसमें भरी थी, अब अभी भी तो वायु भरी है, लेकिन ये क्या है, दब रहा है, अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो ये नहीं दबेगा, टाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, गैस फैलती है। जी हाँ बिल्कुल, गैस का आकार कैसा रहेगा, अनिश्चित रहेगा। भाई बोतल में है, बोतल जैसी हो गई, LPG में पहुंच गए, LPG जैसी हो गई, ठीक, रूम में खोल दिए तो रूम के जैसी हो जाएगी, यानी आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। आकार कैसा, अनिश्चित, ठीक। और दूसरी चीज क्या, आयतन था, दूसरा क्या था, आयतन। अब आयतन कैसा, देखिए आयतन भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, गैस फैलती है, गैस गर्म हो जाए तो फैल जाएगी, या गैस कहीं छोड़ दो तो फैल जाएगी, तो आकार भी अनिश्चित, क्या, अनिश्चित, कैसा, अनिश्चित। इतनी बात समझ में आई, गैस भी कैसी, अनिश्चित है ना, गैस भी कैसी, अनिश्चित है। इतनी बात समझ में आई, देखिए, देखिएगा, गैस के अनिश्चित है। अब गैस का आकार तो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित, मतलब आयतन कैसे बढ़ जाता है। देखिए, जब हमारे गैस घरों में LPG होती है और कहीं थोड़ी सी वो लीक हो जाए और हम घर से बाहर खड़े हों, तो हमें वहां तक स्मेल आती है, क्यों, क्योंकि गैस फैलती है, मतलब गैस का आयतन इतना फैल गया कि वो पूरे घर में फैल चुका है, इसलिए हमें उसकी स्मेल आती है। कोई थोड़ी सी परफ्यूम लगा के आता है और क्या होता है, पूरे रूम में उस परफ्यूम की जो खुशबू है वो फैल जाती है, तो ये क्या है, गैस फैल जाती है, गैस कब फैल जाती है, गैस पूरे जितना भी उसको स्पेस मिलेगा पूरे में फैल जाएगी। अब ये रीजन क्या है, पूरे में फैल जाएगी, क्यों फैल जाती है, तो इसका रीजन भी यही है कि गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा, एक इस कोने में तो दूसरा उस कोने में, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर। अब कोई बहुत दूर दूर है, सोचिए, तो खूब बहुत तेजी से दौड़ेगा, धड़ाधड़, है ना, वो खूब बहुत तेज दौड़ेगा दूर दूर। अब पास पास था, बिल्कुल सिकुड़े हुए खड़े, नहीं दौड़ पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, ठीक, हिलना डुलना मुश्किल। फिर थोड़ा दूर दूर हुए, हाथ पैर चलाने लगेगा। अब बहुत ज्यादा दूर हुए तो क्या, दौड़ना शुरू कर देगा। तो गैस के जो अणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, फिर वो क्या करना, दौड़ना शुरू कर देते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं। तो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। इतनी बात कंफर्म हुई, गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत तेज होती है। कोई उस कोने में या कोई थोड़ा सा दूर 10 मीटर दूर परफ्यूम लगाता है आपको विद इन सेकेंड, ठीक है,
सेकेंडों में आपके पास खुशबू पहुंच जाती, तो सोचिए कितनी तेज वो चलते होंगे। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो गैस की के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा ठोस, द्रव और गैसों में सबसे ज्यादा होती है। ठीक, आकार इनका अनिश्चित रहता है और आयतन भी इनका अनिश्चित रहता है। ठीक है, याद रखेंगे एक शब्द हमने अभी यूज किया एलपीजी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एलपीजी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बात समझ में आ गई? एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहां तक कंफर्म हो गया होगा। तो दोस्तों, हमने द्रव की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे की दो हमारे पास अवस्थाएं बचती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल होता है और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।